मित्रों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप थी। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ने ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। ये भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा गया। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विच्छेद हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देख कर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थीं और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थीं। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रायाण के साथ पहले से ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे, तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार,
मैं तो अपनी गायों, ग्वालनों और इन नदी पहाड़ों के बीच ही रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायण से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तो मेरी आत्मा है, भले ऐसे में मैं उससे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपकी उससे शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की ये प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।